हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आज की वीडियो मेरी गर्ल फैम के लिए नहीं है, आज की वीडियो है उनके भाइयों के लिए, बिकॉज आज मैं फीचर करने वाली हूँ रक्षाबंधन गिफ्टिंग आइडियाज फॉर योर सिस्टर। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे पता है लड़के हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि रक्षाबंधन आने वाले, हम पैसे नहीं देना चाहते। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता जब आप खाली कैश दे देते हो या फिर कुछ जो मीठा टॉफी, मतलब जो अनहेल्दी चीज़ें होती ना वो चीज़ें देते हो। इससे बेटा कुछ अच्छा दो जो उनके काम भी आए। और लड़के हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या देना चाहिए, तो आज मैंने हर एक कैटेगरी में से चीजें पिकअप करी हैं जो बजट में है। सब कुछ आपको अंडर रुपीज 500-1000 इजीली अमेज़न से मिल जाएगा, सो आपके पैसे ही बच जाएंगे। एट द सेम टाइम इनकी एमआरपी हाई है, दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी बहनों को भी अच्छा लगेगा यार मेरे भाई ने एफर्ट्स किए हैं। तो जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं फटाफट से इसका लिंक चुपचाप अपने भाइयों को भेज दो, ज्यादा कुछ बोलना मत, लिंक कॉपी करके उनको व्हाट्सएप कर दो, वो अपने आप खोलेंगे, खुद समझ जाएंगे कि आप गिफ्ट कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाय द वे सबसे बेस्ट टाइम है चीजें लेने का, बिकॉज ये सब कुछ मैंने अमेज़न से ही लिया है और अमेज़न की शुरू हो चुकी है ग्रेट फ्रीडम सेल जो 6 से 10 अगस्त चलेगी। इन सब पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा और अमेज़न की डिलीवरी भी क्विक है ना, तो फटाफट आपका सामान आ भी जाएगा, राखी से पहले टेंशन भी नहीं होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं फैशन आइटम्स के साथ। अगर आपकी बहनों को बैग्स के शौक है, मतलब उनको अच्छा लगता है अलग अलग बैग्स कैरी करना, तो मैं आपको इंडियन कैटेगरी में बैग रिकमेंड करना चाहती हूँ जो मैंने अमेज़न से लिए थे। दिस इज ऑल द बैग लुक्स लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द चेन, ये ऐसे लंबी भी हो जाती है तो मैं स्लिंग बना लेती हूँ, बिकॉज वेडिंग वगैरह में डांस वांस करना होता है ना तो मैं ऐसे नहीं पकड़ पाती, मैं उसको क्रॉस कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। चेन भी इसकी अच्छी है, वो पतली वाली चेन नहीं है जो बालों में फंसती है, और मैं इसको एक साल से कैरी कर रही हूँ। या लास्ट ईयर जुलाई में मैंने ये बैग लिया था, अब पूरा एक साल हो चुका है, चेन का भी इतना कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ये भी काफी इंटैक्ट है। ये काफी इसकी बॉडी हल्की है और इसके बेस में मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड लगाया था, बिकॉज ये नीचे से ना ऐसे फ्लिमजी फ्लिमजी हो रहा था, कुछ गिरा, बट इसके बेस में मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया था और अभी काफी टाइट हो चुका है। बाय द वे मैंने वीडियो बनाई हुई है व्हाट इज इन माय इंडियन वेडिंग बैग, बिकॉज ये मेरा इंडियन वेडिंग कैटेगरी का बैग है, तो मैं इसमें कुछ अलग तरह का सामान रखती हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं यहीं का लिंक कर दूंगी। नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो सबसे सेफेस्ट गिफ्ट है, बिकॉज परफ्यूम्स तो सभी लगाते हैं, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि उनको पसंद आया फिर नहीं पसंद आएगा। सो मेरे पास हैं ये प्लम के EDP जो मुझे रिसेंटली आए थे, मैंने इनके साथ स्पॉन्सर्ड वीडियो करी थी लास्ट वाली मंथली फेवरेट्स वाली, आई लव देम। ये इनके बॉडी लव इनके EDP लॉन्च हुए हैं, द बेस्ट पार्ट इज ये अफोर्डेबल है बहुत ज्यादा, इनका प्राइस है 295 रुपीज। तो अगर आप टीनेजर हो, आप छोटे भाई हो, आपको अपनी बड़ी बहन को कुछ देना है, फिर आपका बजट कम है 200-300 में, आप कुछ अच्छा गिफ्ट देख रहे हो जो देने में भी अच्छा लगे और ऐसा भी ना लगे कि आपने कुछ सस्ता दे दिया, तो ये परफ्यूम काफी अच्छे हैं। प्लम एक बहुत अच्छी ब्रांड है, अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है, प्लम बहुत एक अच्छी ब्रांड है जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ये मेरा फेवरेट है बाय द वे हवाईयन रूम्बा। आप जैसे इसको यहाँ से खोलोगे, यहाँ पे ये रहा EDP परफ्यूम। सो ये कंसनट्रेटेड है बिकॉज ये परफ्यूम्स है और ये इन्होंने पर्स के हिसाब से बनाया है। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको स्प्रे भी मिलता है, ये उनका अपने बैग्स में रख सकती हैं, लाइक कहीं पे भी इजिली ऑफिस भी ले जा सकते हो अपने बैग्स में, स्कूल बैग तो नहीं बोलूंगी, स्कूल के बच्चों को परफ्यूम ले जाना चाहिए। सो आई लव द ओवरऑल कंसेप्ट, देने में भी अच्छा लगता है, ऐसा ही लगता है आपने खाली कुछ ऐसे ही उठा के दे दिया, दिखता भी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी ऑफर करता है ये परफ्यूम। लास्ट करते हैं ऑल्सो, ये काफी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, ये 10+ आवर्स के अराउंड लास्ट करते हैं, विच इज रियली नाइस, और 295 में आपको क्वान्टिटी भी डिसेंट मिल रही है। मेरा जो दे लास्ट रियली वेल 10+ आवर्स के अराउंड ये लास्ट करते हैं, सो लॉन्ग लास्टिंग भी है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, एंड दे आर लाइक फ्री फ्रॉम ऑल दोज हार्मफुल केमिकल्स एज वेल। इफ आई टॉक अबाउट फ्रेग्रेंस टाइप, ये हवाईयन रूम्बा सबसे बेस्ट है जो मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये मिक्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज है, इसके अंदर हल्की सी एक स्वीट भी आती है, थोड़ी सी फ्लोरल गार्डन वाली एक बीची वाली खुशबू आती है, सो वो एकदम परफेक्ट है। नाउ कमिंग टू ज्वेलरी, काफ़ी लड़कियाँ होती है जिनको ज्वेलरीज का बहुत शौक होता है और आपको पता है आपकी बहनों को ज्वेलरी का शौक है, तो मैं आपको 3 ब्रांड्स रिकमेंड करना चाहती हूँ फ्रॉम अमेजोन। सबसे पहले है जूल्स गैलेक्सी जो मेरी फेवरेट ब्रांड है, दिस इज ऑल द ब्रांडिंग लुक्स लाइक, इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। आप अमेजोन पे नॉर्मली जाओ, जूल्स गैलेक्सी सर्च करो, आप मेरे भी नीचे अमेजोन के स्टोर पे चेक करोगे ना, मैंने ज्वेलरी का पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है, मैंने मैक्सिमम इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे फीचर किए हुए हैं। आई हैव 3-4 काइंड ऑफ जूल्स गैलेक्सी के हुप्स और मैं इनका पूरा सेट ले चुकी हूँ, तो मेरे पास एक सेट यहाँ पे रखा है जो मैं काफी बार पहन चुकी हूँ, ऐसा पूरा ना एक सेट आता है, अभी तो मैंने काफी पहन लिया, निकाल भी दिया है। ये सिंगल वाले इसके अंदर आते हैं, फिर ऐसे वाले प्लास्टिक हुप्स आते हैं, देन इसके अंदर एक ऐसे मेटल वाले छोटे हुप्स भी आते हैं। मैंने अभी जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पहना था वो भी इसी सेट का हुप था, मैंने ये वाला हुप पहना हुआ था। सो दीज आर वेरी नाइस, ये वेस्टर्न के साथ भी इंडियन के साथ भी अच्छे लगते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे को एक साल से ज़्यादा हो चुका है ये वाले कैरी करते हुए, इतनी कोई टार्निशिंग नहीं हुई, अच्छे भी लगते हैं, इसमें छोटे बड़े सारे साइज के आते हैं। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी ये वाले स्पेसिफिक हुप सेट का, आप देख सकते हो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, और ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, अगेन आप इसको रैप करके सीधा दे सकते हो, तो गिफ्टिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। सेकेंड इन द इंडियन कैटेगरी लाइक प्रॉपर एथनिक वाले जो ये
इयरिंग्स होते हैं ना, मुझे जो ब्रांड पसंद है वो है ज़वेरी पर्स. दिस इज आउट द लोगो लुक्स लाइक. मैंने पूरा दिवाली के टाइम में एक हॉल बनाया था, मैं ऊपर का लिंक कर दूंगी अमेजोन के. मैंने ज़वेरी पर्स के अच्छे अच्छे पीसेस में फीचर किए थे. उसमें से एक ही पीस है पिंक कलर का जो मुझे काफ़ी पसंद है. मैंने अब तक कैरी नहीं किया, आई एम वेटिंग कि मेरे पास कोई हॉट पिंक आउटफिट आए, मैं खरीदूँ और मैं इनको कैरी करूँ. ज़वेरी पर्स की ज्वेलरी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जब सेल लगती है ना अमेजोन पे तो स्टील डील है. मतलब आप मार्केट में भी जाओगे ना, आपको ऐसी ज्वेलरी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलने वाली जिस प्राइस पॉइंट पे आपको अमेजोन देता है. सो दिस इज हाउ दिस झुमका लुक्स लाइक. एंड दीज आर लाइक हैवी, मतलब ऐसे भारी नहीं है बट वो हल्के प्लास्टिक ही वाले नहीं है. इनके एक अच्छा जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, कुछ वर्क कहते हैं यार, मैं इसका नाम भूल गई, मीनाकारी सॉर्ट ऑफ वर्क. ये काफ़ी ऑथेंटिक सॉर्ट ऑफ फील होता है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. मैंने उस वीडियो में बहुत सारे फीचर किए थे तो वो वीडियो आप जरूर देखें. थर्ड ज्वेलरी ब्रांड इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली परचेज करी है, इसका नाम है वेम्बली एलिगेंस इज इटर्नल. दिस आउट द लोगो लुक्स लाइक. ये भी कुछ इस तरह के लॉक बॉक्स में आता है तो गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है. और मुझे ना ये वाले हुप्स चाहिए थे जो मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे थे, मुझे फाइनली सेट मिल गया और मैंने एक दो पहन भी लिए. एक हुप मैंने अभी जस्ट अभी फंक्शन में पहना है. सो दिस इज आउट दिस सेट लुक्स लाइक. इसमें सारे छोटे साइज के हुप हैं, आजकल छोटे साइज के हुप काफ़ी चल रहे हैं तो इसलिए मैंने ये सेट मंगाया था. ऐसे वाले मिलते हैं, फिर ये पर्ल वाला, फिर एक ये और थोड़ा सा बड़ा साइज का पर्ल वाला, ये ऐसे मल्टी रिंग वाला, ये क्रिस क्रॉस इसमें जा रहा है. और बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको प्लेन स्टड्स भी मिलता है, एक ट्राइंगल, एक ऐसा पर्ल वाला. सो मिक्स ऑफ इयररिंग्स है. मैंने इसका एक पहना था अभी परसों, ये वाला छोटे वाला पहना था और ये काफ़ी अच्छा लाइक सुंदर भी लगता है. आई पर्सनली लव्ड इट. ये पर्ल वाला ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैंने ये फॉरएवर 21 ज़ारा H&M में काफ़ी देखे हुए हैं तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है. अगेन अगर आप 300-400 के नीचे कुछ गिफ्टिंग आइटम देखना चाहते हो सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन. और मैं हमेशा इनको वापस ऐसे ही रखती हूँ बिकॉज ये वैसे वाले हैं ना, लाइक गोल्ड नहीं है तो ये जल्दी काले पड़ जाते हैं अगर आप ध्यान से नहीं रखोगे. सो आई ऑलवेज कीप देम बैक इन द बॉक्स. नाउ आई वॉन्टेड टू फीचर समथिंग इन मेकअप कैटेगरी एज वेल. लेकिन मेकअप में क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या दे सकते हो आप. सो एक तो मैं रिकमेंड करूंगी कॉम्बो किट्स. आपको बहुत सारी अमेजोन में मिल जाएंगी, लाइक मेबलिन की कॉम्बो किट्स आती है, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी. उसमें आपको काजल मिल जाता है, एक मास्क आता है, आईलाइनर मिल जाता है, फेसेस कैंडा की एक किट आती है जिसमें मस्कारा, लाइनर, काजल मिल जाता है, वो आप ले सकते हो. बट अगर आप लिपस्टिक में कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो मेरे पास ये कॉम्बो है जो मैंने अमेजोन से लिया था. मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, मैंने फेंक दिया था, लेकिन ये प्रॉपर एक सिंगल बॉक्स में आती है और ये कॉम्बो में सस्ती पड़ती है. अगर आप सिंगल सिंगल लिपस्टिक लोगे ना तो महंगी आएंगी. वो एक कॉम्बो बॉक्स में आपको 450 के अराउंड या फिर उससे भी कम में मिल जाती है. मैंने लिया था टच ऑफ स्पाइस और न्यूड नुआंस का कॉम्बो. ये दोनों लिपस्टिक कुछ इस तरह से दिखती है. ये मेबलिन की क्रीमी सेंसेशनल वाली लिपस्टिक है. सो सबसे पहले है इसमें टच ऑफ स्पाइस जो मेरा फेवरेट शेड है. ये अपेरेंटली मैक मेहर की काइंड ऑफ फर्स्ट कॉपी है बिकॉज जो मैक का मेहर शेड है ना वो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है. और ये इतना न्यूट्रल शेड है ना, ये आपके सारे आउटफिट के साथ जाने वाला है. इसमें कुछ अलग या फिर कुछ लाउड नहीं है तो जो आपकी अगर सिस्टम मेकअप कम भी करती हो ना उनको तभी भी ये पसंद आएगा. और सेकंड इसका शेड है न्यूड नुआंस जो काफ़ी प्यारा ब्राउन टोन शेड है. सो ऐसे वाला ब्राउन न्यूड ना थोड़े से डार्कर स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा लगता है. सो ये दोनों शेड एकदम न्यूट्रल हैं ऑफिस के लिए, वर्क के लिए. सो अगर आपकी सिस्टर वर्किंग है, थोड़ा सा फॉर्मल अटायर के साथ आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो ये छोटा सा लिपस्टिक का बॉक्स भी गिफ्ट करने के लिए अच्छा है. नाउ इफ योर सिस्टर इज वेरी मच इन टू मेकअप, मतलब वो प्रॉपर मेकअप करती है, प्रॉपर फाउंडेशन, ब्लश, मतलब आपको दिख जाता हो कि आई शेडो वगैरह, मतलब वो अच्छा मेकअप करती है, उनको शौक है, तो ये ब्रश सेट भी काफी अच्छा है बिकॉज ये दिखता लग्जूरियस है लेकिन अफोर्डेबल काफी है. और आप इसको रैप रैप करोगे ना तो दिखने में भी अच्छा लगे, एक अच्छे साइज का डिसेंट गिफ्टिंग आइटम है. मैंने इसको यहाँ स्टूडियो रूम में रखा हुआ बिकॉज मैं इस ब्रश सेट को काफी यूज करती हूँ. आप इसकी हालत देख सकते हो कैसी हो चुकी है. मैं यूज करती हूँ, वापस इसमें रख देती हूँ सो दैट डस्ट कैच ना हो. सो दिस आर द ब्रश सेट लुक्स लाइक. ये मार्स का आर्टिस्ट आर्सेनल ब्रश सेट है. ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है. इसका एक्चुअल MRP है 1099, लेकिन आपको अमेजोन पे 800-900 का भी काफी बार डील पे मिल जाता है विच इज रियली गुड बिकॉज इसके अंदर आपको मिल रहे हैं 6 ब्रशेज जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं. मतलब एक एक ब्रश की क्वालिटी काफी अच्छी लग्जूरियस फील होती है. लाइक लुक एट दिस. मैंने इसका रिव्यू इंस्टाग्राम पे किया हुआ है. अगर आप मेरा रिव्यू देखना चाहते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, रील सेक्शन चेक करना, मैंने पूरा इसका रिव्यू किया हुआ है. अनदर थिंग जो आप मेकअप कैटेगरी में दे सकते हो वो है ये मेकअप किट. मैंने जस्ट अभी लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी अमेजोन के बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स पे जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स दिखाए थे और इसमें मैंने आपको ये मेकअप किट भी दिखाई थी जो एक सिंपल मेकअप किट है लेकिन इसमें पार्टिशनिंग रिमूव हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है. मतलब 1000 रुपीज में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिलने वाली सिवाय
अमेजोन के, आई लव दिस वन. इसमें पैटर्न्स बहुत सारे थे, तो अगर आपको पता है आपके सिस्टर को किस तरह का कलर पैटर्न पसंद है, आप वो पिकअप कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ग्रूमिंग में देना चाहते हो, लाइक स्किन केयर में, बॉडी ग्रूमिंग में देना चाहते हो, तो एम कैफीन की किट्स आती है. मेरे पास तो अभी ये बॉडी स्क्रब है खाली, लेकिन एम कैफीन की बहुत एक अच्छी किट आती है जो प्रॉपर एक लॉक बॉक्स के साथ आती है. दैट इज रियली गुड. उसके अंदर ये स्क्रब आता है, मॉइस्चराइजर आता है, इनका बॉडी वॉश आता है, इसका अलग से स्पैचुला उसमें रखा हुआ आता है, और प्रॉपर एक लॉक बॉक्स में आता है, तो वो देते हुए भी बहुत अच्छा लगता है. एंड अगेन इट इज वेरी बजट फ्रेंडली, महंगा नहीं है वो, और अमेजोन की डील पे तो आपको और सस्ते में मिल जाता है. सो अगर आपकी सिस्टर थोड़ी सी बॉडी ग्रूमिंग में है, ये तो आप इनफैक्ट लड़कों को भी दे सकते हो, बिकॉज ये लाइक जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है. ये बॉडी स्क्रब, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश लड़के भी यूज कर सकते हैं, तो वो भाइयों को देने के लिए भी काफी अच्छी किट है. सो बॉडी के कैटेगरी में तो मैं डेफिनेटली वाली ब्रांड फीचर करूंगी, बिकॉज क्वालिटी इज गुड एंड इट लुक्स नाइस एज अ गिफ्टिंग आइटम टू. एंड फाइनली हेयर केयर कैटेगरी, एक चीज जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, जो सबसे ज्यादा महंगी होगी इस पूरे रिकमेंडेशन वीडियो में से, बट इट इज वर्थ इट, वो है ये एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश. प्रेसिंग मशीन हर लड़की के पास होती है, एक बेसिक ब्लो ड्रायर सबके पास होता है, कर्लिंग रॉड भी होगी, लेकिन ये जो ब्लो ब्रश है ना, ये काफी यूनिक प्रोडक्ट है, और ये तो आई थिंक आई एम श्योर बहुत कम लड़कियों के पास अभी होता है. वैसे तो आजकल ये काफी वायरल हो चुका है, मैंने खुद ये इतनी बार अपने पेज पर सजेस्ट कर दिया है. सो दिस इज बेसिकली अ ब्लो ब्रश, तो ऐसे ब्रश फॉर्म में आता है, और इसके अंदर ब्लो ड्रायर है, काफी मोटा रॉड है, आप देख सकते हो, इसके अंदर से हवा आती है. इसमें सेटिंग यहाँ पे कूल, लो, हाई की, अभी काफी सारे बाल हैं इस पे जो मुझे हटाने हैं, बट इसमें सेटिंग काफी अच्छी है. आप इसको हाई मोड पे जब यूज करोगे ना, एकदम गर्म हवा आती है, आप प्रेसिंग भी कर सकते हो, इसकी हीट से आपके बाल सूख जाते हैं. सो इट्स लाइक टू इन वन, आपको अलग से ब्रश और ब्लो ड्रायर ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको हैंडल करो एंड यू आर गुड टू गो. इसमें से हवा भी आएगी और आपके बाल ऐसे ब्रश भी हो जाएंगे, और इससे बाल जल्दी सूख भी जाते हैं, एट द सेम टाइम स्टाइल भी हो जाते हैं. जो ऐसे फ्रिजीनेस वगैरह होती है ना, वो बहुत अच्छे से इससे कम हो जाती है. तो काफी सेफ गिफ्ट है इन हेयर केयर कैटेगरी, बिकॉज आपको नहीं पता उनको किस तरह का हेयर केयर प्रोडक्ट सूट करेगा, तो वो प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड नहीं कर रही. मैं इसलिए एक हेयर केयर टूल रिकमेंड कर रही हूँ जो शॉर्ट शॉर्ट उनको पसंद आने वाला है. सो दीज आर ऑल माय रक्षाबंधन गिफ्ट्स रिकमेंडेशन फॉर योर सिस्टर. मैंने हर एक कैटेगरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, और कुछ भी साइज स्पेसिफिक नहीं है, कुछ कलर या फिर कुछ ऐसा होता है ना जो बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, वो नहीं है. ये सब कुछ एक बेसिक गिफ्ट्स हैं जो आप किसी को भी दोगे, उनको पसंद आने ही आने वाला है. हर कैटेगरी को मैंने एक्सप्लोर कर ही दिया, तो आपकी मर्जी, आप खुद एनालाइज करो, सोचो उनको क्या पसंद आएगा, वो पिकअप कर सकते हो. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक मेरे स्टोर का लिंक मिलेगा, अमेजॉन स्टोर का लिंक सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करना, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजीली विजिबल होंगे. आप वन टैप में सब कुछ इजीली देख भी सकते हो, शॉप भी कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्राइसेस भी दिख जाएंगे, बिकॉज अमेजॉन के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो करंटली सेल प्राइस क्या चल रहा है आपको वहाँ पे दिख भी जाएगा. सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो कुर्ता भी मैंने अमेजॉन से लिया था, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जनस्या. ये शॉर्ट स्कर्ट स्टाइल कुर्ता है, मैं राखी पर यही पहनने वाली हूँ. मैंने राखी आउटफिट आज ही पहन लिया, बट मैं फटाफट उसको उतार के रख दूंगी, मुझे राखी पर पहनना है, इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू आउटफिट. सो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी अगर मैं दे पाई तो. दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.